हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन यू चेतना और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्वेटशर्ट एंड स्वेटर्स हॉल जो कि मैंने मिंत्रा से परचेस किए हैं और उनका प्राइस जो है वो अंडर 1300 के अंदर है। यू नो, अभी विंटर आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि कुछ स्वेटशर्ट और स्वेटर का रिव्यू बनाया जाए। तो गाइज, मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए स्वेटर एंड स्वेटशर्ट का वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके परचेस करने में। तो मैं इन स्वेटशर्ट और स्वेटर का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप लोग भी वहाँ से परचेस कर सके। और गाइज, अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए गाइज, मेरे वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं कि मैं यहाँ पे कौन से स्वेटशर्ट और स्वेटर जो है मैंने परचेस किए हैं मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये रॉड स्टार की जैकेट जो कि मैंने मिंत्रा से परचेस करी है। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1299, बट मैंने इसको डिस्काउंट के अंदर 763 रुपीस में परचेस किया है। इसकी स्लीव्स पर इस टाइप का ये इलास्टिक बैंड आता है और इस साइड में भी, और इसका जो नेक है वो राउंड नेक आता है और फ्रंट में जो है कुछ जिप आती है जिसको आप अच्छी इजीली क्लोज कर सकते हो। एक तरह का जैकेट है, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, आप इसको इजीली पहन सकते हो, इसमें आपको कोई भी लाइक ठंड वगैरह नहीं लगेगी। इसका जो मटेरियल है वो कॉटन है, बट इसमें ये उस टाइप का कॉटन है कि जिससे आपको ठंड नहीं लगेगी और ये जो मटेरियल है इससे आप इजीली इसको हैंड वॉश कर सकते हो, मशीन में भी वॉश कर सकते हो। एकदम रफ एंड टफ वाला मटेरियल है, काफ़ी अच्छा जैकेट लगा मुझे। मैं आप लोगों को ये जैकेट पहन के भी दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा, आपको ब्रांड प्राइस और जो साइज़ है मेरा वो स्क्रीन पर दिख जाएगा। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है वो है टोक्यो टकीज़ का ये स्वेटर। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, टोक्यो टकीज़ ब्रांड जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल ब्रांड है। लाइक उस ब्रांड में जो है आप जीन्स पटियाला जो भी व्हाटएवर आप जो भी परचेस करो, एक तो अफोर्डेबल रेंज के अंदर आते हैं, प्लस वो उनका मटेरियल जो है काफ़ी अच्छा आता है। इसका मटेरियल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो टोक्यो टकीज़ का ब्रांड जो है काफ़ी अच्छा है। तो यू नो, इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 1500 है, बट यू नो गाइज, मैंने इसको 684 रुपीज़ में परचेस किया है। इसका मटेरियल ऑसम, लाइक आप इसको मतलब बहुत जोर वाली सर्दी हो तब भी इसको पहनोगे ना तो भी आपको ठंड नहीं लगेगी। मुझे मतलब मैं सरप्राइज हो गई कि 684 रुपीज़ में इतना अच्छा मटेरियल। यू नो, आप मार्केट में भी सर्च करोगे तो भी आपको इस टाइप का स्वेटशर्ट तो नहीं मिलेगा। इसका कलर बहुत अच्छा लगा, मरून कलर है, और भी कलर इसके अंदर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो वहाँ से। मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मेरा साइज ब्रांड एवरीथिंग आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। वैसे मैं इसको पहन के भी दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कैसा है ये, बट गाइस सरप्राइजिंगली ये मतलब मुझे जब रिसीव हुआ मैं एकदम शॉक्ड रह गई कि यार 684 रुपीज़ में इतना अच्छा डिज़ाइन, इतना अच्छा मटेरियल जो मिला है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप स्वेटशर्ट देख रहे हो, स्वेटर देख रहे हो, तो उसमें ये ज़रूर परचेस करना। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है वो है ये स्वेटर या स्वेटशर्ट बोल सकते हो, ये ब्यूटीफुल वी नेक का स्वेटर है, बहुत अच्छा लगा। ये ब्यूटीफुल वी नेक का है, इसका ब्रांड जो है वो फॉरएवर 21 है। आपको साइज ब्रांड और प्राइस जो स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो 1049 रुपीज़ है और मैंने जो इसको 1049 रुपीज़ में ही परचेस किया है। इसके अंदर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला, इसके अंदर ये लाइनिंग है। यू नो, आपको जब आप इसकी पिक्चर देखोगे तो वो हल्का सा क्रॉप में दिखेगा। अगर आपको क्रॉप नहीं चाहिए तो आप इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा ले सकते हो। ये मुझे मेरा परफेक्ट साइज़ लगा, बट यू नो, थोड़ा लूज़ किसी को पसंद हो तो आप एक साइज़ बड़ा परचेस कर सकते हो। मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे एकदम परफेक्ट लगा, क्रॉप है, पेंसिल पेंट के साथ में बहुत अच्छा लगेगा। तो आप साइज़ का देख सकते हो, वैसे मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका साइज कैसा दिख रहा है। तो चलिए गाइज, अब मैं आप लोगों को ये जितने भी स्वेटर्स मैंने परचेस किए मैं आप लोगों को पहन के दिखा दूं जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे दिखते हैं।
सो गाइस, ये था मेरा स्वेटशर्ट का रिव्यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और गाइस, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी और मैसेंजर पे भी मुझे पूछ सकते हो। और अगर आप लोग इसी टाइप के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।